बारहवीं कक्षा में 500 में से 497 अंक लेकर पूरे हरियाणा में टॉप करने वाले भिवानी जिले के गांव पुर निवासी दीपक को हरियाणा सरकार से आर्थिक सहायता ना मिलने पर मलाल है। दीपक को इस बात का दुख है कि जब 2018 में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा मंत्री द्वारा 4 लाख रुपए आर्थिक सहायता मिल सकती है तो उसे क्यों नहीं मिल सकती। बता दें कि गाँव पुर निवासी दीपक प्रजापति समाज से संबंध रखता है। मंगलवार को गुरु दक्ष प्रजापति जयंती के उपलक्ष्य में कुमार धर्मशाला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। प्रजापति समाज की ओर से प्रथम स्थान पर रहने वाले दीपक को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल को दीपक ने दुखी मन से कहा कि जिस वक्त उसका रिजल्ट आया था तो आपका फोन मेरे पास आया था। जब पिछली बार टॉपर को 4 लाख मिले तो मुझे क्यों नहीं। चलिए आपको दिखाते हैं मीडिया से बातचीत में दीपक ने दुख जाहिर करते हुए क्या कहा। गाँवपुर का निवासी हूँ, मैंने हरियाणा टॉप किया है 2019 में, मेरे 497 अंक है। विज्ञान संकाय से मैंने हरियाणा टॉप किया है। मैं भिवानी जिले से संबंध रखता हूँ। मैंने है ना, अब मेरा सपना IAS ऑफिसर बनने का है, इसके लिए ग्रेजुएशन ज़रूरी है, इसलिए मैंने ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। वहाँ पर मेरा एडमिशन सेंट स्टीफन्स कॉलेज में हो गया है। इसके साथ साथ मेरा IAS के लिए कोचिंग्स है, उसकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है, और सेंट स्टीफन्स कॉलेज के लिए रेजिडेंस फ़ीस प्लस जो एग्ज़ाम फी है, कॉलेज फी है, वो बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर लगभग मेरा खर्चा 6-7 लाख तक हो जाएगा ग्रेजुएशन तक, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने अभी मेरी कोई भी हेल्प नहीं की है। तो आज मुख्यमंत्री ने आपको सम्मानित किया है कुरुक्षेत्र में। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल कट्टर जी ने मुझे कुरुक्षेत्र की प्रजापति धर्मशाला में जैसे सम्मानित किया है, तो उन्होंने अभी इसके लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया कि वे मेरी फीस के बारे में क्या कहेंगे, क्या करेंगे आगे, गवर्नमेंट हेल्प क्या होगी अभी तक। तो क्या आप जब पढ़ रहे थे आपके स्कूल में टीचर भी नहीं था? हाँ, मेरे स्कूल में है ना फिजिक्स के लेक्चरर हैं, वे दिसंबर में आए थे, और केमिस्ट्री और मैथ्स के कोई टीचर नहीं था। तो आपका क्या जो गांव है, गांव के अंदर एक जी, क्या आपने कोई ट्यूशन रखी थी? मेरे स्कूल में टीचर होने के बावजूद भी, स्कूल में टीचर के अभाव होने के बावजूद भी मैंने कोई ट्यूशन वगैरह नहीं रखा था। मैंने अपने जो मार्क्स है अपने सेल्फ स्टडी से ही अर्जित किए। तो क्या शिक्षा मंत्री से आपने कोई बातचीत की हो या कोई बात रखी हो? शिक्षा मंत्री का फ़ोन है, जब मेरा रिजल्ट आया था तो उस टाइम बधाई देने के लिए एक बार आया था बस। हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प? फाइनेंशियल हेल्प कुछ नहीं मिली है, जबकि लास्ट ईयर है जो शायद हिसार से संबंध रखने वाली लड़की है हिना, उसको 4 लाख रुपए हैं सर रामविलास शर्मा ने दिए थे, और अब वो बीट्स पिलानी से बीटेक कर रही है। वैसे मैंने बीट्स पिलानी से बीटेक करने की सोची थी, लेकिन वहाँ की फ़ीस है बहुत ज़्यादा है, लगभग 20 लाख है, इसीलिए मैंने फिर सेंट स्टीफन्स कॉलेज है, वहाँ की फ़ीस थोड़ी सी कम है, इसलिए वहाँ पर। तो आपके पिताजी क्या काम करते हैं? मेरे पिताजी मिस्त्री है, मजदूरी का काम। तो घर में कितने लोग हैं? घर में मेरी 5 बहनें हैं और मम्मी पापा। दो शादी करती है? हाँ, उनमें से 2 की शादी करती है। तो आप अकेले हो? लड़का अकेला है। अर्थ प्रकाश के लिए कुरुक्षेत्र से कुलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।